आज अटल जी के देह अवसान के साथ ही भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुव तारा नहीं रहा। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजात शत्रु राजनेता खोया है। साहित्य ने एक मूर्धन्य संवेदनशील कवि को खोया है। पत्रकारिता ने एक स्वभावगत पत्रकार को खोया है। देश की संसद ने सन 57 से संसद में गरीबों की और देश की आवाज बने हुई आवाज को खोया है। भारतीय जनसंघ से स्थापक सदस्य और भाजपा ने अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष खोया है और करोड़ों युवाओं ने अपनी प्रेरणा को खोया है। अटल जी के न रहने से देश की राजनीति में जो रिक्तता खड़ी हुई है, वो रिक्तता को लंबे समय तक भरना असंभव है। अटल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी होने के साथ साथ एक कुशल संगठक के नाते पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींव को डालना और एक बीज में से वटवृक्ष बनाने तक की यात्रा को अटल जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। देशभक्ति की जहां पर भी संसद में जरूरियात होती थी, अटल जी उसकी आवाज बने। न केवल भारतीय जनता पार्टी समूची संसद का विश्वास होता था कि अटल जी जो कहेंगे वो देश के हित में होगा। और आज मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती, परंतु देश के सार्वजनिक जीवन में भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मुझे लगता है इसकी पूर्ति होना असंभव है। अटल जी ने कई सारे मौकों पर, चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ की लड़ाई हो, चाहे कश्मीर के लिए यूएन में आवाज बुलंद करनी हो, चाहे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त स्टैंड लेना हो, चाहे हिंदी को प्रमुखता से देश में फैलाव के लिए आगे ले जाना हो, चाहे एक बैलेंस नेता के नाते समस्याओं का समाधान करने की दिशा में पूरे देश को समाधान देने हो, अटल जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता के नाते काम नहीं किया, सार्वजनिक जीवन के एक देशभक्त नेता के नाते पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के दुनिया भर में फैले करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से गहरे दुख की संवेदना व्यक्त करता हूं। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्पवान होते हैं कि अटल जी जो काम छोड़ कर गए हैं वो पार्टी के मिशन को हम आगे ले जाएंगे। मित्रों, अभी 9:30 बजे से अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके निवास स्थान पर ही व्यवस्था की गई है। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक यही निवास स्थान पर भी अटल जी के अंतिम दर्शन होंगे। 9:00 बजे उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय 6A दीनदयाल मार्ग पर ले जाया जाएगा और 1:00 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और 4:00 बजे
राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे। मैं जानता हूं व्यक्ति के जाने से विचार खत्म नहीं होते, व्यक्ति के जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होते, व्यक्ति के जाने से विचारधाराएं उनके कर्तृत्व के कारण ज्यादा दृढ़ होती है, आंदोलन और पैने होते हैं। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल जी के आज दुखद निधन के अवसर पर देश को आगे ले जाने के लिए पुनः एक बार संकल्पित होकर देश को आगे ले जाने का भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मैं देश को आश्वासन देता हूं, अटल जी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अटल जी के चाहने वाले दलों से भी ऊपर उठकर दुनिया भर में जो बिखरे हुए हैं सभी को ये दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति दे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका, उनके व्यक्तित्व, पार्टी के लिए उनकी ताकत का जिक्र करते हुए उस प्रेरणा का जिक्र कर रहे हैं जो अटल जी ने अपने कार्यकर्ताओं में भरी है और एक सफर तय किया है।